हाय गाइस, वेलकम टू नायक यूट्यूब चैनल। और आप लोग के लिए मैं आज लेकर के आया हूँ एक बड़ा ही धमाकेदार, जो कि आप लोग को बहुत सारा कमेंट आता था कि आपका स्वाइन मतलब साउंड क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। फिलहाल मैं मतलब पहले तो मैं एक लिया था एयर मतलब माइक्रोफोन, लेकिन उससे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं आ पा रहा था, तभी उसमें कंप्लेंट आ रहा था। लेकिन सरप्राइज मतलब सरप्राइज लाया हूँ, जो कि है मेरा अमेजोन से मतलब ऑर्डर करा मतलब किया है, और आप लोगों को एक अनबॉक्सिंग करके मतलब पूरा A to Z अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा। और आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगेगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इसका साउंड क्वालिटी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश मतलब अब तो बनेगा ही क्योंकि वो आ गया है, तो आपको बनेगा ही, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी से सारा रिकॉर्डिंग होगा साउंड क्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है आपका माइक्रोफोन माइक, जो कि मैंने ऑर्डर किया था और काफ़ी जल्दी आ गया, 2 दिन में डिलीवर हो गया है। और इसका प्राइस लगभग बहुत मतलब थोड़ा सा रेंज ज़्यादा है, ठीक है, अदर माइक के थ्रू तो देखिए ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, बॉक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो देख ही रहे होंगे अनबॉक्सिंग करने में भी थोड़ा सा मतलब स्पेस नहीं हमको मिल रहा है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, लेते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स और आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम कर देंगे इसको, बहुत बड़ा पैकिंग है तो हमको खोजने में टाइम लग रहा है कहाँ से पैकिंग क्या हुआ है। चलिए इसको पैकिंग को हम खोलते हैं और अनबॉक्स करते हैं। और देखिए ये छोटा सा बिल, जो कि इसमें अमाउंट है 4,619 रुपया का, यहाँ पर दिया हुआ है ये 4,619 रुपया, ये अमेज़ोन से मैंने मंगाया है। अब देख लीजिए मतलब 2 से 3 दिन में डिलीवर हो गया, 2 दिन में डिलीवर हो गया है, बहुत काफ़ी मतलब जब मतलब आज तक का सबसे फास्ट डिलीवर ये मेरा है। और चलो अच्छा है, अच्छा लगा कि तुरंत डिलीवर हो गया, क्योंकि ये महंगा पोस्ट था मतलब प्राइस ज़्यादा था, इसलिए शायद जल्दी कर दिया है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, बस बिल था और कुछ नहीं है। और इसको देखा जाए तो काफ़ी शानदार है, रहा ना सरप्राइज़ आप लोग के लिए। तो कैसा लग रहा है, कैसा लुक आ रहा है आप लोग को देखने में, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या आप लोग को ये माइक कैसा लगा। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और धीरे धीरे अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और देख लीजिए काफ़ी काफ़ी स्टैंड मतलब बता दिया गया कि कैसे कैसे क्या स्टैंड करना चाहिए, क्या क्या लुक है। माइक्रोफोन पोर DIA 16 mm कंडीशनर है, और क्लियर प्लोट प्लेटिनम है, 30HZ 16KHZ का है, 38 dBA बायो मतलब काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, रेडियो 70 dB है, और केबल जो मिल जाता है वो है USB 2B केबल मिल जाता है, आपको USB केबल मिल जाएगा इसमें, काफ़ी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। और यहाँ प्राइस दिया है 5,099 मतलब 6,000 के करीब, तो लेकिन 6,000 में नहीं मिला, आपको बिल दिखा दिया गया है 4,000 आपको 619 रुपया लिया गया है, बहुत ही मतलब ऑफर प्राइस जो भी समझ लें। ये देखिए आपको इसका अडेप्टर है वो काफ़ी अच्छा है, USB टाइप ऑफ कंडक्टर मिल गया, आप इसे डैश मतलब डैश में आपको जहाँ भी अगर डैश मतलब कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग कर रहे हो या कैमरा से वीडियो बना रहे हो, तो वहाँ पर एक पिन मतलब स्टेप मतलब क्या बोलेंगे डैश से आप इसको पिन अप करके उसको अटैच करके आप माइक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हमको अच्छा लगा, इसका साउंड क्वालिटी देखिए कितना रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग दिया हुआ है, तो इस टाइप से हम इसको मतलब चूज़ किए हैं। और भी हम इसका डिफिनेशन वगैरह मतलब इसमें क्या क्या मतलब बेनिफिट है ये हम देख लेंगे। हाई रेडियंस मिल जाएगा आपको, मतलब चिपेस्ट है, USB 2.0 है, तो ये कंप्लीटेबल विथ विंडोज़ एंड मैक ओएस, मतलब आप मैक बुक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो,
चाहे मैकबुक हो या नॉर्मल लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, सभी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फुल मोटेबल मतलब मोटेबल कनेक्टिंग मिल जाएगा, कैसिंग मिल जाएगा, बॉम रैम स्ट्रीन इंस्टेड मतलब आपको मतलब रिचेबल मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे या एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें मिल जा रहा है, और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है ना मानो। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें और लेट्स गो स्टार्ट एंड सरप्राइज। तो देखिए एक हैप्पी हैप्पी का एक स्टिकर भेजा गया है। ये हमको अच्छा लगता है, जब भी मैं आपको अमेज़ोन से ख़रीदता हूँ तो इस टाइप का एक स्टिकर हमको मिल जाता है। जैसे मैं बुक भी ख़रीदा था ना, तो बुक में भी एक इस टाइप का स्टिकर मिला था, वो लंबा था काफ़ी, और हमको अच्छा लगता है। आप जैसे बुक पढ़े हैं तो उसमें डाल सकते थे, और ये हैप्पी का तो काफ़ी अच्छा है, आप भी हैप्पी हम भी हैप्पी। तो ये छोटा सा गाइडलाइन दे दिया है कि आप इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। देखिए इसमें सब कुछ दे दिया गया है कि कैसे गाइडलाइन वगैरह मतलब कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है, इसमें सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, जिससे आप खुद से कर सकती हो। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे पहला ये मिल जाता है अलग से, जो कि माइक में मतलब माइक में लगेगा ऊपर से, और ताकि अच्छा लगेगा, जैसे नॉइस है ना, नॉइस क्लियर आएगा। ठीक है, नॉइस क्लियर आएगा, तो ये मतलब हवा जो भी आता है, नॉइस आता है, उसको क्लियर करता है, जो धूल मतलब हवा जो टाइप का आता है ना, वो सबको क्लियर करेगा, साउंड क्वालिटी बेटर करेगा। और ये आपको मतलब कुछ रेंज से आप उसको साउंड को बोल सकते हैं, इसके लिए काफ़ी है, लचीबल है, मतलब ये दो मतलब कंपनी का है, लोगो लगा हुआ है, और ये काफ़ी हार्ड है, मतलब रिचेबल है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा दिखने में। और इसको हटाते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसको इधर करते हैं, और इसको भी इसी पे डालते हैं ताकि हमको सुविधा होगा और अनबॉक्सिंग में। ठीक है, और ये इधर रख दें, और देखिए ये मिल जाता है जो मतलब माइक में लगेगा, आपको माइक में एडजस्ट करके काफ़ी अच्छा लगेगा ये लुक, आपको मतलब स्टूडियो जैसा आपको लुक देगा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए मतलब ये दिया हुआ है नट बोल्ट का टाइटिंग वगैरह करने के लिए, काफ़ी सुटेबल एकदम, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये लुक आपको एक मतलब क्या बोल स्टूडियो टाइप का लुक आपको मिल जाएगा इस माइक में। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें देखिए केबल मिल जाता है, जो कि यूएसबी केबल है, और माइक के थ्रू आप यूएसबी से लैपटॉप कंप्यूटर या किसी से भी डेस्कटॉप से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तार काफ़ी अच्छा बड़ा दिया हुआ है, और खोल कर भी दिखा देते हैं आपको, काफ़ी काफ़ी तार का जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छा है ना, बहुत अच्छा दिया दिया है। अब इतना बहुत ज़्यादा है मतलब, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब मीडियम है, चलिए कोई बात नहीं, इतना मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप से मैं तो कोशिश करूँगा कि लैपटॉप से ही बनाने का, क्योंकि लैपटॉप भी कोशिश कर रहा हूँ जुगाड़ कर लेने के लिए। और ये मेरा माइक है, जो कि इस वीडियो का जो हेड ऑफ पॉइंट है ये माइक, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसा कि ये अभी देखे थे, ये इसमें मतलब एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको स्टूडियो वाला लुक मिल जाएगा आपको। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्टूडियो वाला लुक मिल गया ना, तो ये रहेगा। और यहाँ से अभी जो मैंने बताया था, एक केबल ये इसमें लगेगा केबल, और ये यूएसबी में लगेगा। ठीक है, और ये कंपनी का है, मनाओ कंपनी का है, और ये हम अभी फिलहाल इधर इसको ऐसे रखते हैं। और इस टाइप से आपको ये जो दिया गया है, ये कॉटन दिया गया है, ये आपको नॉइस के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये मैं इसमें रख देता हूँ, और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ये आपको जैसे टूल पे अगर आपको नट बोल्ट करना है, तो यहाँ से इसको नट बोल्ट करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, नट मतलब टूल में, या कंप्यूटर डेस्क है तो उसमें आप इसको एडजस्ट करके मैक को अटैच कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ है, और ये मेरा ये माइक के लिए दिया गया है, मतलब वायर को
एडजस्ट मतलब फोल्ड करके रखने के लिए दिया गया है तार को। और ये मेरा स्टैंड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी स्प्रिंग वगैरह दिया हुआ है और काफ़ी मतलब सही है, मतलब हार्ड है, हार्ड क्वालिटी है काफ़ी, मतलब इसको ज़्यादा मतलब हमको जो लग रहा है कि ज़्यादा मतलब हमको मतलब असेंबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, काफ़ी असेंबल किया हुआ है, बस इसमें अटैच करके और ये इस चीज़ को यहाँ पर अटैच करना है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी बहुत सही दिया है, मतलब आपको ज़्यादा कुछ करने की झंझट नहीं पड़ेगा, काफ़ी मतलब सिंपल है, आप कोई भी इसको यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से, मतलब काफ़ी अच्छा दे दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया है एडजस्ट करने के लिए, ये चीज़ यहाँ पर एडजस्ट करके आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लुक हो गया, ये लुक हो गया, आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ये आपका डेस्क में या कोई भी डेस्क में वगैरह में आप मतलब एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको डेस्क में भी असेंबल करके बताऊंगा, तब तक लिए चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा ये माइक पूरा तरीके से असेंबल हो चुका है, तो ये आप ये लुक कैसा आपको लग रहा है हमें कमेंट करिएगा कि ये माइक आपको लेना चाहिए। एक यूट्यूब अगर आप बनाते हो, अगर एक कंप्यूटर में मतलब रिकॉर्डिंग करते हो या कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हो, तो ये माइक लेना बेटर रहेगा। और इसका रेटिंग आप लोग को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताओ। पैसा तो ज़्यादा लग गया है, लेकिन क्या करें, आप लोगों को स्वयं का मतलब साउंड का क्वालिटी जो देना था तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं और इसे ले लिया, और ये 2 दिन में डिलीवर भी हो चुका है, ताकि मैं जो क्लास कराऊँ मतलब डिजिटल मार्केटिंग का जो जो भी क्लास कर मतलब करा पाऊँ वो आपको सही साउंड में आपको होगा। तो लुक देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, असेंबल करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगा है, ज़्यादा नहीं। मैंने इसको डेस्क से जोड़ा, ये चीज़ को डेस्क से मतलब अटैच करके, और इसको नट बोल्ट है यहाँ से मैंने असेंबल कर दिया, और ये तो ऑलरेडी किया हुआ था, बस ये चीज़ को मैंने यहाँ पर करके इसको नट बोल्ट को टाइट कर दिया है। और आप भी अपने हिसाब से जैसे अगर लगाना है, फर्स्ट टाइम अगर ले रहे हो तो आप लगा सकते हो। और ये केबल है, केबल को मैंने लगाया, और अपना लैपटॉप से यहाँ से आप लैपटॉप से आप इस चीज़ को लैपटॉप से आपको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से लैपटॉप से आप कनेक्ट कर सकते हो। और मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, आप अपना डिवाइस को ऑटोमेटिक मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है, तार भी अच्छा है। और ये लुक जो है वीडियो का लुक दे रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। अगर आप भी चाहते हो कि एक अच्छा सा साउंड क्वालिटी मेरे यूट्यूब पे हो, तो आप भी अपने लिए ले सकते हो, या किसी भी स्टूडियो के लिए आप ऑनलाइन क्लास करा रहे हो, या किसी मतलब ऑनलाइन वगैरह भी बहुत सारा लॉकडाउन में अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो आप ले सकते हो। ये माइक काफ़ी अच्छा है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी अच्छा है, आप क्वालिटी अच्छा मिलेगा, तो आपको ये रिकमेंडेड है कि आप ये ले सकते हो, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, नेक्स्ट वीडियो इसी से बनेगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर आया हो तो नया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना कि कैसा लगा।